नमस्कार, प्राइमेस 24 में आप सबका स्वागत है। मैं हूं दीपा। श्री रामलीला सेवा समिति कच्छा गांव में रामलीला मंच पर प्रखर तेजस्वी संत श्री रामदास साहिब जी ने सत्संग भजन प्रस्तुत कर रामलीला नाटक मंच का कार्यक्रम प्रारंभ कराया। इस मौके पर उपस्थित समाज सेवी राजेश यादव जी ने भजन गाकर और लोगों को संबोधन कर सभी का आभार व्यक्त किया। मौके पर उपस्थित रामलीला अध्यक्ष अखिलेश यादव उर्फ पप्पू लखंदर जी, दुबे जी, कृष्णा जी, मुन्ना जी, भानु जी, जितेंद्र कुमार, उदयभान जी, जंत्री प्रजापति जी, लक्ष्मण दास जी आदि लोगों ने भाग लिया। जय श्री राम के जयकारे के साथ पूरा क्षेत्र भक्तिमय हो गया। अंत में सभी ग्रामवासियों, माताओं बहनों ने आरती पूजन कर महंत जी की खुशियों के साथ विदाई की। आजमगढ़ सरायमीर से रवि कुमार प्रजापति की रिपोर्ट। मैं राजेश यादव की पवन धरती से आपके बीच श्री रामलीला सेवा समिति कड़छा के इस मंच पर श्री राम दरबार जो रामलीला के रूप में भव्य झांकी के रूप में आपके मंचन के माध्यम से दिखाया जाता है। आज इस ग्राम सभा के समस्त लोगों ने अपना पूर्ण बहुमत और योगदान देकर के परम पूज्य सत श्री रामदास साहेब जी जो प्रखर तेजस्वी और भजन कीर्तन सत्संग आप सबके बीच प्रस्तुत किए, गुरु बाबा को बार बार प्रणाम और धन्य है यह ग्रामवासी जिनके धरती पर गुरु जी का पावन चरण कदम पड़ा है। तो मित्रों, यह बहुत ही हर्षोल्लास का समय है कि समस्त ग्रामवासियों ने इस कार्यक्रम का ऑर्गेनाइजेशन किया और समिति के पदाधिकारी, कार्यकर्तागण और दूर दराज से आए हुए सभी भक्त आप सबके बीच हैं जो अपना बहुमूल्य और कीमती समय देकर के इस कार्यक्रम को सफल बनाने में पूर्ण योगदान दिया है। और अब कुछ ही देर में रामलीला नाट्य मंचन का कार्यक्रम भी प्रारंभ होगा। समय के अनुसार और कीमती समय को देखते हुए मैं सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं और बार बार धन्यवाद देता हूं कड़छा ग्रामवासियों का जिन्होंने इतनी खूबसूरती से मंच को सजाया है और कार्यक्रम कराने का अवसर प्रदान दिया है। आपके कड़छा कुटी पर महंत श्री रामदास साहेब जी इस वक्त विराजमान है जिनके मुखारविंद से परडे सुखद सत्संग प्रवचन का कार्यक्रम होता रहता है। तो एक बार आप सभी का पुनः धन्यवाद ज्ञापन करूंगा और कार्यक्रम जो कि सत्संग के रूप में रखा गया था वो आरती पूजन के साथ समापन किया जा रहा है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत गुजार। एक बार जयकारा हो जाए, सभी लोग अपने मुखार से लगाएंगे जय श्री राम, जय श्री राम, बोले पवन पुत्र हनुमान।